नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डीप सॉल्यूशन में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वाउचर मेनू इन सरल। हमारे सॉल्वर में जो फिफ्थ नंबर का ऑप्शन है वाउचर, उसका आज हम इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं, इसमें क्या क्या आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाउचर में जाने के लिए आप अल्टर वी या डायरेक्ट माउस से यहाँ वाउचर पर क्लिक करोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल दीप सॉल्यूशन में। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स मेनू। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट मेनू हमारे सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा मेनू है, जिसमें आप देखोगे तो पूरी स्क्रीन ही भर जा रही है ऑलमोस्ट। तो चलिए आज करते हैं इसको इंट्रोडक्शन। रिपोर्ट मेनू में जाने के लिए आप यहाँ पे रिपोर्ट पे माउस से क्लिक कर सकते हैं, या फिर अल्टर के साथ आर दबा के रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं। रिपोर्ट में जो सबसे पहला ऑप्शन है जीएसटी रजिस्टर। जीएसटी रजिस्टर में जीएसटीआर 1, 2, 3, आरडी, यूआरडी, एचएसएन, स्टेट वाइज बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप उन सबको स्टडी कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट सेक्शन आता है इसमें सेल्स। सेल बी रजिस्टर, सेल बी रजिस्टर, डेट वाइज, पार्टी वाइज, आउटस्टैंडिंग, एजिंग, सेल रिटर्न रजिस्टर, मंथली सेल समरी, डेली समरी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे है। आप स्पेशली सेल्वी रजिस्टर, डिटेल रजिस्टर, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। देन नेक्स्ट है परचेस। परचेस बिल रजिस्टर, डिटेल रजिस्टर, ऑल डेटा, पार्टी वाइज, आउटस्टैंडिंग पेएबल, बिल वाइज, स्टेटमेंट, रिटर्न। परचेस में भी बहुत सारे मेनूज दिए हुए हैं। इसमें भी जो स्पेशली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, वो परचेस बिल रजिस्टर, परचेस बिल डिटेल रजिस्टर और आउटस्टैंडिंग पेएबल ऑन अकाउंट। आपको इसमें से बहुत सारा आइडिया आ जाएगा कि किस किस को कितने कितने दिन से हमें पैसे देने बाकी हैं। देन आता है टैक्स रिपोर्ट। टैक्स रिपोर्ट एक्चुअली है ये वेट के टाइम के, अगर वेट वाली कोई है आपकी पुरानी एंट्री तो उसके लिए आपको ये काम लगेंगे, बाकी अभी कुछ काम के है नहीं है। जी एस टी में ये फॉर्म 201, 20B, सी एस टी सेल सी फॉर्म रिमाइंडर दिया हुआ था। नेक्स्ट आ रहा है रजिस्टर, आपकी कैश बुक, बैंक बुक, रिसिप्ट, पेमेंट रजिस्टर, कितना पैसा आपने एक महीने में, एक दिन में या पूरे साल में रिसिप्ट किया है या कितना आपने पे किया है, वो सारा कुछ आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। मेन प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, प्रोडक्शन कॉस्टिंग, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, रो मटेरियल कंजप्शन, आइटम लिंक, सिंगल आइटम लिंक, मल्टी स्टेप, वो भी बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स इसमें दिए हुए हैं। आप सारे एक बार चेक कर लीजिएगा अपने डेटा पे। फिर आता है ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर सेल्स, पेंडिंग ऑर्डर परचेस, ऑर्डर रजिस्टर सेल, ऑर्डर रजिस्टर परचेस। ऑर्डर के अंदर भी येस नो करके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, प्लानिंग, सारे कुछ इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं, इसमें मैं कोई और वीडियो बनाने वाला हूं। तो देन आते हैं अदर रजिस्टर। ये स्पेशल रिपोर्ट जो कोई स्पेशल सेटिंग्स या कोई स्पेशल काम के लिए बनाए हुए हैं वो अदर रिपोर्ट्स में डाले हुए हैं हमने। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में, आपको कौन सा चाहिए वो बताएं। वीडियो में लेके आना वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ FAS रिपोर्ट, मतलब ये रिपोर्ट के नेक्स्ट वाला FAS रिपोर्ट इंट्रोडक्शन में लेके आने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं सॉल्यूशन।